जी, इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। मेरे कब में लेबर पार्टी की टीम है जो कि कंपेन कर रही है, लेकिन उन्होंने हमें इजाज़त नहीं दी कि हम उनके फुटेज बनाएं या उनको हम रिकॉर्ड करें। तहम मैंने ये देखा है कि दूसरी जो पार्टी है वो भी लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और मुलाकातों का सिलसिला जारी है। दरवाज़ों में दस्तक दी जा रही है, मुस्कुराहटें हैं, मुसाफे हैं, मुआनके हैं और वोटरों को अपना अपना पैगाम पहुँचाया जा रहा है। लेबर पार्टी अपनी खोई हुई नशीस दोबारा हासिल करने के लिए तगोदो कर रही है। ये वो नशीस थी जो कि रिस्पेक्ट पार्टी ने जीत ली थी यहाँ के साबिक काउंसलर सजावल हुसैन से। आज उनकी कोशिश है कि उस सीट को वापस लें। यहाँ पर जो उनके मुकाबले में उम्मीदवार हैं वो मुनीर अहमद हैं। लेबर पार्टी की कंट्रोल जो काउंसिल है उन्होंने मिलियंस ऑफ पाउंड जो हैं वो एक बिल्डिंग को जो सेंट्रल लाइब्रेरी हुआ करती थी उसको बंद किया, फिर मिलियंस पाउंड उस पर खर्च किया, नए नए उस वहाँ दफ्तर बनाए, ब्यूरोक्रेसी के दफातर बनाए। तो सेंट्रल लाइब्रेरी जो हमारे बच्चों का रिसोर्स था उसको बंद किया कि ये जी सेफ नहीं है। तो वो दफातर के लिए सेफ है, हमारे बच्चों के लिए सेफ नहीं है, तो हमारी लाइब्रेरी कहाँ गई? जब हम कहते हैं जी कि हमारी गलियों की सफाई करो, इधर दो चार लाइटें लगाओ, कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं। उधर एक लाइट लगाने के 15,000 इन्होंने खर्च किए, वो लाइटें लगाई हैं उन्होंने। आवाम के लिए तो पैसा नहीं है, अपने लिए वो पैसा है। दूसरी जानिब लेबर पार्टी के मकामी काउंसलर नाजिम आजम अपनी जमात का दिफा करते हुए कहते हैं, ब्राफर्ड काउंसिल ओवर द लास्ट 6 years हैज एड 170 million pounds लेस इन इट्स बजट टू लुक आफ्टर एंड प्रोवाइड सर्विसेज एंड केयर फॉर द पीपल ऑफ ब्राडफोर्ड। अब देखना यह है कि यहाँ के जो वोटर हैं सिटी वोट के, वो किसके वादों पे, किसके नारों पे, किसके दावों पे यकीन रखते हुए उन्हें वोट देते हैं। उबैद मुगल, जियो न्यूज, ब्राडफोर्ड।